तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सनसेट देखने मिलता है, लेकिन आज तो कुछ अलग ही नज़ारा है। आपको सारे ब्लॉग सारे रील्स में सिर्फ सनसेट ही दिखेगा, लेकिन सिर्फ मेरे ब्लॉग में या भी मैं जो शॉर्ट्स डालने वाला रील्स डालने वाला उसमें आपको ये जगह प्रॉपर रेनी सीजन में दिखेगी, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश में। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। लास्ट ट्रिप हम लोग ने दमन की थी, उसके बाद कोई भी ट्रिप का भी प्लान नहीं बन रहा है क्योंकि सारे फ्रेंड्स लोग का भी ऑफिस वगैरह का काम चालू है और मेरे भी कुछ यहाँ पे प्रॉमिसेस है जो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं बाहर तो निकलना होगा। अगर आप मुंबई से हो तो काफ़ी दिन से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज सुबह सुबह बारिश हुई और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। तो आज मेरी वाइफ को भी छुट्टी थी तो हम लोग ने प्लान किया है कि एक छोटी सी ट्रिप या राइड नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग एक्टिवा से बाइक से या कार से नहीं जा रहे, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे, ट्रेन से जा रहे। ज़रूरी ये नहीं कि हम कैसे जा रहे हैं, लेकिन आज के व्लॉग में ज़रूरी ये है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को मुंबई की एक ऐसी ट्रेंडिंग जगह पे लेके जा रहा हूँ जो रिसेंटली लोगों को पता चली है और बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ट्रेंडिंग है। तो मैंने सोचा क्यों अपने इस चैनल पे भी उस जगह को एक्सप्लोर किया ना, क्यों ना किया जाए। तो अभी त्रिपन्ना रेडी होगी, मैं रेडी होकर बैठ चुका हूँ। अभी का टाइम हो रहा है आफ्टरनून के 3:15। यहाँ से जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे। वैसे तो स्टेशन पे पार्किंग है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ रिक्शा से जाते, पता नहीं कब बारिश हो जाए। तो रिक्शा से जाएंगे स्टेशन, स्टेशन से CST की ट्रेन पकड़ेंगे। आगे क्या करेंगे, कौन सी बस पकड़ेंगे, कैसे जाएंगे, सब कुछ आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। तो ब्लॉग एंड तक देखिएगा, अगर मुंबई से हो तो डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है। और हमारे घर से हम लोग ने ऑटो रिक्शा पकड़ ली है टूवर्ड्स गोरेगांव रेलवे स्टेशन, और UTS ऐप से हम लोग ने CST की रिटर्न टिकट भी करवा ली है। तो अभी सीधा जाना है स्टेशन। वैसे अभी टाइम हो रहा है 3:36 और हमारी जो CST की ट्रेन है वो है 4:01 पे। तो अच्छा खासा टाइम है, 10 मिनट लगेगा स्टेशन पहुंचने के लिए, और फिर वहां पे थोड़ी देर वेट करेंगे CST ट्रेन में। तो फिर थोड़ी देर वेट वहां पे जाके करना ही पड़ेगा। स्टेशन हम लोग आ गए और यहाँ से हम लोग को पकड़ना है ST के लिए 4:01 की ट्रेन। तो ऑलरेडी ट्रेन तो लग गई है, नीचे उतरते हैं और फटाफट से अच्छी जगह पकड़ लेते हैं। ट्रेन स्टार्ट होने में अभी 10 मिनट बाकी थे, सोचा स्टेशन पे भेल क्यों टेस्ट ना किया जाए। स्टेशन की भेल का टेस्ट बहुत ही अलग होता है, अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो फिलहाल हम लोग ने एक भेल ले ली है और सीधा हम लोग एकदम फ्रंट में जा रहे हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है तो एकदम आगे से ही निकलना है। तो अभी टाइम है तो आगे चल के चले जाते हैं, फिर वहाँ से चलना आसान हो जाएगा। हमारी ट्रेन निकल गई है अपने स्टेशन से, तो हमारी ट्रेन निकल गई है गोरेगांव स्टेशन से, और जो टाइमिंग बता रहा है CST पहुँचने का वो टाइमिंग बता रहा है 4:56। तो एक घंटे का जर्नी है, आराम से विंडो सीट मिला है, आराम से हवा खाते खाते पहुंच जाएगा। हम लोग शिवड़ी पहुँचे ही थे और ज़ोरदार बारिश चालू हो गई है, पता नहीं CST में क्या हालत होगी। जो पॉइंट जो जगह देखने जा रहे हैं वो एंजॉय कर भी पाएंगे या दमन जैसा होने वाला है पता नहीं, चलिए देखते हैं। एग्जैक्ट 5 बजे हम लोग पहुंच गए हैं अपना CST स्टेशन। अभी यहां से बाहर निकल के हम लोग को पकड़नी है बस हमारे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो फिलहाल तो बाहर जाने का रास्ता देख रहे हैं, मतलब पता है बाहर जाने का रास्ता, यहां से सीधा जाके बाहर निकलना है, लेकिन पहले टॉयलेट की तरफ जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और फिर निकलेंगे। कभी भी अपनी लाइफ में अगर मैं बड़ा घर ले पाया ना तो ये पंखा पक्का लगाना है मुझे, इसकी हवा ऐसी है जैसे फुल नेचुरल हवा आ रही है, सब लोग आते जाते वही देख रहे हैं। CST स्टेशन के बाहर निकलते ही पता चला बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो
तो यहाँ से थोड़ा खाना वगैरह हम लोग ने पार्सल ले लिया है एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स बस डेपो। वहाँ से हम लोग को बस पकड़नी है टूवर्ड्स, आगे बताऊँगा। और 10-15 मिनट वेट करने के बाद हमारी बस आ जाती है जिसका नंबर है 139। तो फटाफट चढ़ जाते हैं क्योंकि सीट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे बस में बैठने के साथ ही बाहर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से बारिश हो गई है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बारिश चालू हो गई है। लकीली हम लोग को जल्दी से जल्दी बस मिल गई। जिस जगह पे मैं आप लोगों को लेके आना चाह रहा था वो ये है, लेकिन बारिश के वजह से कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है और मुझे लग रहा भी नहीं है कि ये लोग वहाँ पे जाने देंगे। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लर हो गई है। बहुत सारे आप लोग ने इस जगह के ब्लॉग देखे होंगे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे रील्स देखे होंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। लेकिन इतनी बारिश में नियर टू साइक्लोन नियर टू स्ट्रॉम हम लोग यहाँ पे आए, एक्चुअली बिल्कुल भी सेफ नहीं यहाँ पे आना। तो इस जगह का नाम है भारत पॉइंट और ये CST कोलाबा में है। इंस्टाग्राम अगर यूट्यूब पे शॉर्ट्स को सर्च कर लोगे भारत पॉइंट या सनसेट पॉइंट इन कोलाबा तो यही बताते हैं। अभी यहाँ से चल के जाना है, पूरा 2-3 किलोमीटर तक चल सकते हैं। ट्राई करेंगे थोड़ा बहुत चल के जाने के लिए, अगर सेफ नहीं लगा तो वापस आ जाएंगे क्योंकि हम लोग दोनों साथ में अकेले रहते तो ज़रूर आ जाते। ज़्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में मुंबई में पता नहीं है। अगर आप प्रॉपर समर टाइम पे आते हो जब बारिश नहीं होती तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सनसेट देखने मिलता है, लेकिन आज तो कुछ अलग ही नज़ारा है। आपको सारे ब्लॉग सारे रील्स में सिर्फ सनसेट ही दिखेगा, लेकिन सिर्फ मेरे ब्लॉग में या भी मैं जो शॉर्ट्स डालने वाला रील्स डालने वाला उसमें आपको ये जगह प्रॉपर रेनी सीजन में दिखेगी, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश में। अभी धीरे धीरे पानी का लेवल बहुत ऊपर आ रहा है तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग वहाँ पे एंड तक नहीं जाएंगे। कुछ लड़के लोग गए लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो लोकल ही है और पढ़ने को लेकर मुझे सेफ नहीं लग रहा वहाँ पे जाना। तो जो प्रॉपर सनसेट देखने आए थे वो तो पॉसिबल नहीं हो पाए, लेकिन बहुत सारी बारिश बहुत सारा समुद्र में देखने मिला। धीरे धीरे पानी का लेवल ऊपर आ रहा है तो इट्स नॉट ए सेफ कि हम लोग वहाँ पे जाए। तो हम लोग वापस जा रहे हैं अपने जो चौल पूरा चौल है उस तरफ, ताकि वहाँ पर थोड़ा फिर वहाँ पर थोड़ी देर रुक के फिर निकल जाएंगे। सोचा था यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे बट पॉसिबल नहीं लग रहा क्योंकि इतनी बारिश और धीरे धीरे सी लेवल ऊपर आ रहा है। डर लग रहा है कि क्योंकि दोनों ही बाजू अगर आप लोग देखोगे तो दोनों ही बाजू, एक बाजू भी समंदर है और एक बाजू भी समंदर है, तो अगर एक भी अगर लहर ऊपर आ गई तो खत्म हो जाएगा। तो वी डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क, तो चलते वापस।